हे एवरीवन, वेलकम टू एमएससी केमिस्ट्री। आज की जो वीडियो है वो हमारी हम थ्री लॉ डिस्कस करेंगे। जो थ्री लॉज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फोटो केमिस्ट्री की, जो हमारा सीएसआई नेट के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा भी होगा। तो आप लोग जिन्होंने पढ़ा है वो तो ईजिली समझ ही सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो कौन सा लॉ हो गया हमारा फर्स्ट? ग्रोथस लॉ। ग्रोथस लॉ क्या होता है? जो एब्जॉर्ब लाइट है ना हमारी, वो केमिकल चेंज करेगी, लेकिन जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नहीं करेगी। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे कि हमारे पास कोई भी सरफेस है, उसमें हमने लाइट को पास किया, ठीक है, और जो इसमें एब्जॉर्ब यहाँ पे होगी, ट्रांसमिटेड ये हमारी ये हो गई, और लगा लो ये हमारी रिफ्लेक्टेड होगी। तो जो एब्जॉर्ब किया है ना, इससे हमारा केमिकल चेंज होगा, और जो हमारी ट्रांसमिटेड है और रिफ्लेक्टेड है ये कोई भी केमिकल चेंज नहीं करेंगी। तो ये हो गया हमारा ग्रोथस लॉ। आइंस्टीन लॉ क्या है? जो एक फोटोन है वो एब्जॉर्ब किसके वो एब्जॉर्ब होगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, नोर बाय टू फोटोन। ये हमारा आइंस्टीन लॉ है। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है हमारा इसमें। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ क्या है हमारा? ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, बियर्स लॉ है। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लैम्बर्ट्स लॉ है। तो हमारा क्या हो गया? ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई सी एल, ठीक है। ई क्या आ गया हमारा यहाँ पे? कोफिशियंट आ गया, और जो किसके उसमें आ गया, जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन था उसमें। ये थ्री लॉज हैं जो कि फोटो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े होंगे, और आपको ये पता होना चाहिए। इनसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इनसे भी पुट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कुछ पूछ ले कि ये लॉ कौन सा है, जैसे इसकी डेफिनेशन ही दे दे, ठीक है, और लॉ पूछा जा सकता है। तो आप ये तीनों ध्यान से याद कर ले, ओके। और चैनल को लाइक कर, वीडियोस को लाइक कर दो, और चैनल को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।